फ्रेंड्स, अगर आपको अपने वीडियो में वॉइस डालने के लिए वॉइस रिकॉर्ड करनी है या फिर किसी और काम के लिए आपको अपने पीसी में वॉइस रिकॉर्डर की जरूरत है तो मैं आपको डाउनलोड करना बताऊंगा फ्री वॉइस रिकॉर्डर, और जो कि बहुत ही अच्छा होगा आपके पीसी के लिए। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो पहला है फ्रेंड्स, अ पावर सॉफ्ट ऑनलाइन ऑडियो रिकॉर्डर। ये ऑनलाइन भी चल जाता है, ऑफलाइन भी चल जाता है, ऑनलाइन वैसे ही लिखा हुआ है। ऑनलाइन ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है अगर आप इसे नेट से कनेक्ट करके चलाएंगे तो। नीचे आपको डाउनलोड का बटन दिखेगा, उसे आप डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो कई लोगों को तो इंस्टॉल करना आता होगा प्रोग्राम, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए मैं बता देता हूँ। आपको अपना सिंपल फाइल मैनेजर खोल लेना है, फाइल एक्सप्लोरर जिसे कहते हैं उसे खोल लेना है, और जो भी आपने डाउनलोड किया उस पर डबल टैप करना है। और ईजीएस्ट वे बता रहा हूँ, जो भी चीज़ आए फिर आपके सामने डबल टैप करने के बाद उस पर यस 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 करते जाइएगा। अगर ये जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उस पर, बाकी कईयों में वायरसेस भी होते हैं, ये तो मैं बिल्कुल सेफ बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ही सेफ है आपके लिए, आपके पीसी के लिए। तो फ्रेंड्स, ये डाउनलोड ऐसे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर जब डाउनलोड हो जाएगा तो कुछ ऐसी आपके सामने स्क्रीन आएगी, इसे ओपन करने के बाद ये ट्यूटोरियल देगा आपको, साइन इन करने के लिए बोलेगा। आप चाहे तो साइन इन कर भी सकते हैं, और अगर आपकी मर्जी है, अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो विदाउट साइन इन भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। साइन इन से ये होता है, ये आपका जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो संभाल के रख लेता है। आप बैकअप इससे मतलब वापस डाउनलोड करना चाहते हैं, आपसे गलती से डिलीट हो गया तो वो आप कर सकते हैं इससे। देख लीजिए, मैं यहाँ साइन इन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। आप यहाँ ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ऑडियो रिकॉर्डर है, बिल्कुल नॉइज़ बिल्कुल इसमें नहीं आता है, बहुत कम आता है, वो आप क्लियर कर सकते हैं वीडियो रिकॉर्डर से। बस इसके साथ ट्रिम का ऑप्शन नहीं होता, लेकिन वो आप वीडियो एडिटिंग करते समय कर सकते हैं, अगर आप वीडियो के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑडियो। तो डायरेक्ट आप इस ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं या रेडियो, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं। सेटिंग्स में भी आपको हेल्प गाइड ये सब वगैरह वगैरह चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो ये एक ऑडियो रिकॉर्डर बहुत ही अच्छा है, मैं इसे एग्जिट कर देता हूँ। अब आई सेकेंड ऑडियो रिकॉर्डर की बारी। तो ऑडियो रिकॉर्डर पीसी के लिए जो मैं बता रहा हूँ, ये विंडोज़ के लिए है, बहुत ही अच्छा है। ये softonic.com की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड करना बताया है, और भी बहुत सारे नीचे थे लेकिन मैंने ये बताया है, ये बहुत ही अच्छा है। आप चाहें तो सर्च बार में जाके सर्च कर सकते हैं, softonic.com लिख के आप सर्च बार में सर्च कर दीजिए तो ये वॉइस रिकॉर्डर आपका आ जाएगा। तो देख लीजिए, ये मेरा रिकॉर्डर आ चुका है, मैं इसे डबल टैप करके ओपन कर लेता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई एडिटिंग का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, लेकिन इसमें जो रिकॉर्डिंग है वो बहुत ही अच्छी होती है। आपकी वॉल्यूम आपको साइड में ही देखने को मिल जाती है, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ वहाँ पर आपको दिख रही होगी साइड में, ऊपर बाउंस करते हुए थोड़ी लेयर्स। और अब आते हैं जो लास्ट वॉइस रिकॉर्डर है, वो जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट मैंने आपको दी है, इस पर आप गेट के बटन पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये विंडो वॉइस रिकॉर्डर है, ये बहुत ही अच्छा है। इसे देख लीजिए रिकॉर्ड करने के बाद, या आपकी वॉइस को देख लीजिए कितना आपकी वॉइस ऊपर जा रही है, उसके हिसाब से माउंस करती हैं इसकी वो। तो देख लीजिए, अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ट्रिम का, आप ऑडियो को वैसे ही ट्रिम कर सकते हैं, आपको वीडियो एडिटर की जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रिम करने के लिए। तो देख लीजिए मैं कैसे अपनी वीडियोस में वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ, मेरा एक बहुत ही अलग तरीका है। तो सबसे पहले तो मैं ये ऑन कर देता हूँ रिकॉर्डर को, और उसके बाद वीडियो एडिटिंग ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैं विंडोज़ वीडियो एडिटर यूज़ करता हूँ, और फिर जो मेन फाइल है उस पर क्लिक करके उसे प्ले कर देता हूँ। तो ऊपर जो ब्लैक स्क्रीन अभी दिख रही है, वहाँ मेरा पूरी वीडियो चलती रहती है, वीडियो चलती रहती है और मैं बोलते रहता हूँ, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ वीडियो भी चल रही है, और तब मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है, और उसे मैं आगे से थोड़ा सा काट के फिर इसे कस्टम ऑडियो पर जाके इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा बहुत ही अच्छा तरीका है, आप भी चाहे तो इससे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही।